कार दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ न्यू हुंडई वेन्यू फेसलिफ्ट डीजल का बेस वेरिएंट। ये है दोस्तों एस प्लस। डीजल में ज़्यादा वेरिएंट्स नहीं आते, जैसे पेट्रोल जो है वो ई वेरिएंट से स्टार्ट होती है, लेकिन डीजल स्टार्ट होती है एस प्लस वेरिएंट से। ये आपके सामने खड़ी है डीजल का बेस एंड वेरिएंट दोस्तों। आज हम बात करेंगे क्या कुछ आपको मिलेगा इस गाड़ी में। प्रेजेंट में दोस्तों इस गाड़ी का एक्सरूम कॉस्ट है 9,99,900 रुपीज़, जिसमें मैं कंपलसरी चार्जेस जैसे कि इंश्योरेंस आरटीओ जोड़ दूँ एक्सरूम पे, तो ये यूपी में ऑन रोड बन जाती है 11,33,484 रुपीज़ की। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं एस प्लस डीजल वेरिएंट को। अगर आप ये गाड़ी लेने जा रहे हैं मेरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये देखिए, ये है इस गाड़ी का फ्रंट लुक। यहाँ पे स्टैंडर्ड कर रखी है ये डार्क क्रोम की ग्रिल, नई ग्रिल है, जिससे ये गाड़ी जो है फ्रंट से देखिए थोड़ा सा ज़्यादा बोल्डर लुक दे रही है। नीचे बम्पर की डिज़ाइन भी कम्प्लीट चेंज की गई थी फेसलिफ्ट वेरिएंट में। अब देखिए बात करते हैं अच्छी चीज़ की, तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। वाइट रंग की लाइट है, ज़्यादा अच्छी आपको इस गाड़ी पे विजिबिलिटी मिलेगी। कॉर्नरिंग लैंप भी है, जब हम गाड़ी को टर्न करेंगे उस साइड पे ये लैंप्स ऑन होंगे और फोकस देंगे। सराउंड्स आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर DRL लाइट्स के। ऊपर की तरफ देखिए नए लुक के साथ इंडिकेटर्स इस समय मैंने ऑन कर रखे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों फ्रंट पर हमने चेक कर लिया एस प्लस डीजल पर आपको क्या कुछ मिलता है। चलिए चलते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ, और यहाँ से आप देख सकते इस गाड़ी का साइड व्यू। कॉम्पैक्ट SUV है, 4 मीटर से कम इस गाड़ी की लेंथ है। डायमेंशन में सिर्फ एक चेंज किया गया है, इसकी हाइट में 12 mm से हाइट इंक्रीज करी गई है। सारे डायमेंशन स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं दोस्तों, आप कर लीजिए चेक। अब देखिए एक और खास बात है S प्लस वेरिएंट की, इसमें मिलते हैं स्टाइल व्हील्स, जो कि देखिए बिल्कुल एलॉय व्हील का लुक दे रहे हैं। यहाँ पर बताता हूँ स्टाइल व्हील्स क्या है। देखिए इनके जो कट्स हैं ये एक तरीके का एलॉय की तरह हैं। यहाँ पे देखिए स्टील कट दे रखा है, बट ये एक्चुअल में है देखिए फाइबर कैप्स। और यही एक ऐसा वेरिएंट है एस प्लस डीजल पे जिसमें दोस्तों ये व्हील्स आते हैं। इसके अलावा और किसी में इस तरीके के व्हील्स नहीं दिए, या तो स्टील व्हील्स हैं या फिर एलॉय व्हील्स आपको मिलेंगे। बात करते हैं हम इस गाड़ी के व्हील साइज़ की, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 215/60 R16 इंच के ये व्हील्स मिल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों साइड में देख लीजिए, जो आउटसाइड मिरर्स हैं उसी में टर्न इंडिकेटर्स हैं, बॉडी कलर हैंडल्स हैं, और छत पे देखिए तो यहाँ पे आपको ब्रिज टाइप रूफ रेल्स देखने को मिलेगी। चलते हैं इस गाड़ी के बैक साइड में और आपको दिखाते हैं एस प्लस डीजल का बैक लुक। न्यू हुंडई वेन्यू जो है काफ़ी खूबसूरत पीछे से बनाई गई है। यहाँ पे LED कनेक्टिंग टेल लैंप्स हैं। ये जो टेल लैंप्स हैं इसी वेरिएंट से स्टार्ट होते हैं, यानी अगर आप पेट्रोल लीजिए तो SO या फिर डीजल लीजिए तो एस प्लस से। और देखिए इसमें ये पोर्शन तो LED है जो ऑन है, इसके अलावा जो एक कनेक्टिंग लैंप है ये भी देखिए ऑन हो जाता है, जो कि इस गाड़ी को खूबसूरत बनाता है। बाकी दोस्तों यहाँ पे पीछे बम्पर्स में भी सेंसर्स मिल जाएंगे, और यहाँ पे कैमरा दिया हुआ है। ऊपर साइड चेक कर लीजिए, इस वेरिएंट में रियर वाइपर डिफॉगर नहीं मिलेंगे, मिल जाएगा शार्कफिन एंटीना। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक्सटीरियर से एस प्लस वेरिएंट को चेक कर लिया, क्या कुछ आपको इसमें मिलता है जान लिया। चलिए चलते हैं इंटीरियर की तरफ, कीज़ देखते हैं। ये है एस प्लस वेरिएंट डीजल की की, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग वाली की है। 3 बटन की दे रखी है, लॉक अनलॉक बूट ओपनर, और इस तरीके की फ्लिप की मिलेगी। सेकंड की इसमें दी हुई है मैनुअल। चलिए अब बात करते हैं इंटीरियर की, तो ये देखिए ये है न्यू हुंडई वेन्यू। आप अंदर से चेक कर रहे हैं, डुअल टोन इंटीरियर मिल जाता है, ग्रे एंड बेज कॉम्बिनेशन पे इंटीरियर थीम दी हुई है। इग्निशन को करते हैं ऑन, अपहोल्स्ट्री चेक करा दूं यहाँ पे, तो देखिए इसकी जो सीटें हैं इसमें आपको फैब्रिक मटेरियल देखिए मिलेगा। बाकी अगर हम डोर पैनल्स की बात करेंगे, चारों पार विंडो यहाँ पे मिल जाते हैं, ये सेंटर डोर लॉक का बटन है। आउटसाइड मिरर्स दोस्तों यहाँ पे आपको मिलते हैं मैनुअल फोल्ड, छोटी सी कमी कह लीजिए क्योंकि इनको आपको हाथ से ओपन क्लोज करना पड़ेगा, लेकिन एडजस्टमेंट जो है वो आप इन बटन से इनके ग्लासेस का कर सकते हैं। बाकी डोर पैनल पर बात करेंगे तो स्पीकर्स लगे हैं, ट्यूटर्स मिल जाएंगे, वाटर होल्डर दिया हुआ है आगे के डोर पर। बैक डोर की दिखा देता हूँ, तो ये देखिए ये है इस गाड़ी का पीछे का डोर, जिसमें यहाँ पे भी वाटर होल्डर और स्पीकर्स मिल जाएंगे। इनसाइड डोर हैंडल्स, ये जो मेटालिक फिनिश आप देख रहे हैं, ये सभी वेरिएंट्स में मिलता है। बाकी केबिन एक्सप्लोर करते हैं, उससे पहले हम चेक कराएंगे आपको इसका बूट। 350 लीटर का बूट स्पेस यहाँ पे मिल जाता है। अब एक और चीज़ नोटिस करिएगा, ये आप एस प्लस डीजल ले रहे हैं तो यहाँ पे देखिए पार्सल ट्रे कंपनी फिटेड नहीं है, इसमें पार्सल ट्रे को आपको अलग से परचेज करके अगर आप चाहें तो लगवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट्स दे दिए हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन पार्सल ट्रे इस वेरिएंट पे नहीं मिलती है। स्पेयर व्हील जो है वो यहाँ पे रखा है, और ये फुल स्टील पे है, यहाँ पे कोई भी स्टील कट वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। और साइज़ वाइज बात करेंगे तो दोस्तों 1 इंच छोटा है, 195/65 R15 इंच का ये स्पेयर व्हील है। तो तरीके से ये हो गया एमरजेंसी व्हील।
पीछे की सेटिंग पे देखिए, यहाँ पे मार्किंग्स आप देख सकते हैं, आइसोफिक्स की मार्किंग्स हैं, यानी इसमें चाइल्ड एंकर सीट्स को लगाने का प्रोविज़न है। और ये बेंच फोल्डिंग के साथ आती है, यानी आप चाहें अगर बूट को बढ़ाना तो इसको कर दीजिए आगे की तरफ, और ये देखिए बन जाएगा एक बड़े साइज़ का लगेज स्पेस। चलिए अब चलते हैं केबिन की तरफ, एक्सप्लोर करते हैं बाकी फ़ीचर्स को। तो दोस्तों ये है इस गाड़ी की बैक सेटिंग। यहाँ पे इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट मिल जाते हैं, सेंटर पे कोई भी आर्मरेस्ट नहीं है। आर्मरेस्ट दोस्तों इसके एसएक्स वेरिएंट से स्टार्ट होता है। देखिए बैक सेटिंग पे आपको चेक कराते हैं इसका लेग रूम। यहाँ पे जो ड्राइविंग सीट है ये आप देख लीजिए, मैंने कुछ इस तरीके से सेट करी है। मेरी हाइट है 5'8", और लेग रूम आपको मिलता है इतना। यहाँ पे हल्की सी सीटें अंदर की तरफ फेसलिफ्ट में दबाई गई हैं जिससे लेग रूम आपको ज़्यादा मिले। बाकी देखिए यहाँ पे रियर एसी वेंट है, और नीचे की तरफ दो टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स भी मिल जाएंगे। ऊपर साइड देख लीजिए, फिक्स टाइप ग्रिप्स देखने को मिलती है सेंटर पे। यहाँ पे दी हुई है इस गाड़ी की ये केबिन लाइट। चलिए अब निकलते हैं इसकी बैक सेटिंग से और बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं बाकी फीचर्स को। हाइट एडजस्टेबल दोस्तों इस गाड़ी की ड्राइविंग सीट है, तो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप इसकी सीट को ऊपर नीचे सेट कर सकते हैं। दोस्तों ये आप चेक कर रहे हैं न्यू हुंडई वेन्यू एस प्लस डीजल को। ये देखिए यहाँ पे डिज़ाइन लुक आप देख लीजिए, इधर साइड आपको कुछ कप होल्डर्स मिलेंगे, और ये देखिए यहाँ पे आर्मरेस्ट दिया हुआ है, अंदर तरफ एक बॉक्स मिल जाएगा। इसके बाद स्टीयरिंग देख लीजिए, यहाँ पे नॉन लेदर रैप्ड पूरा राउंड स्टीयरिंग है। डी कट स्टीयरिंग इस वेरिएंट पे नहीं आता है। ऑडियो माउंटेड कंट्रोल्स लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, राइट साइड पे ये जो आप तीन बटन देख रहे हैं ये इसके MID के लिए हैं। इस साइड पे बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हेडलैम्प बीम एडजस्टर है। दोस्तों इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल असिस्ट कंट्रोल और ब्रेक असिस्ट सिस्टम जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, यहाँ पे स्टार्टिंग वेरिएंट से काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी को ध्यान रखा गया है। बाकी डुअल एयरबैग सेटअप आप देख सकते हैं, एक इधर है और एक इस साइड पर दिया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों और भी कुछ सेफ्टी फीचर्स हैं, स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, कर लीजिए चेक। स्टीयरिंग टिल्ट पोजिशन पर आता है, यहाँ पर देखिए आप इसको सेट कर सकते हैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। अब एक और बढ़िया चीज़ आपको दिखाता हूँ, तो देखिए न्यू हुंडई वेन्यू फेसलिफ्ट में यहाँ पे देखिए डिजिटल मीटर विथ कलर डिस्प्ले देखिए इसमें दिया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत ये मीटर है, और इस पर यहाँ से आप इसकी इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं। अभी बता रहा है बैटरी कितनी चार्ज है, इसको मैं ज़रा ओके बटन दबा के हटाता हूँ। और ये देखिए यहाँ पे ड्राइव इन्फो, जैसे कि ट्रिप मीटर आप इसमें देख सकते हैं, माइलेज चेक कर सकते हैं, डिस्टेंस टू MT ऊपर की तरफ शो करेगा। इसके बाद इंजन रनिंग टाइम है, ये देखिए इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आती है। बाकी यहाँ पे जब इस बटन को प्रेस करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम हाईलाइन टाइप भी दिया हुआ है, हर व्हील का प्रेशर ये दिखाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, अगर आपने इसको ऑटो मोड पे करके रखा हुआ है तो अंधेरे को सेंस करते ही हेडलैम्प्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे। म्यूजिक सिस्टम भी दोस्तों उसमें मिल जाता है, 8 इंच का टच स्क्रीन जिसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले जैसी कनेक्टिविटी दी हुई है। इस म्यूजिक सिस्टम पे दोस्तों वीडियो प्लेबैक नहीं है। बाकी AC यहाँ पे चेक कर लीजिए, मैनुअल यूनिट दी हुई है। इस साइड पर देखिए तो एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट इधर भी दे रखा है, 12 वोल्ट का पावर आउट आपको मिल जाएगा, और एक पेन ड्राइव लगाने का ऑप्शन मिलेगा। ऊपर साइड दिखाता हूँ तो डे नाइट फीचर वाला इन साइड रियर व्यू मिरर है। इस साइड पर चेक कर लीजिए तो वैनिटी मिरर आपको इसमें नहीं मिलेंगे, देखिए दोनों तरफ नहीं दे रखे हैं। बाकी चेक करते हैं बॉक्स कूलिंग को, तो देखिए इसमें कूल ग्लोब बॉक्स भी नहीं आता है, ये मिलता है SX वेरिएंट से। तो दोस्तों हुंडई न्यू वेन्यू एस प्लस डीजल में क्या कुछ मिलता है, सारी चीज़ें हमने आपको चेक करा दी। ट्रांसमिशन भी दिखा देता हूं, तो ये 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में आती है। देखिए लीवर कितना खूबसूरत बनाया गया है, इस साइड पे एक और लीवर है, इसको पुल अप करिए, रिवर्स गियर लगाइए, पीछे का कैमरा स्टार्ट हो गया, और ये एडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ है। देखिए काफ़ी अच्छी चीज़ है, बैक करते समय काफ़ी एक्यूरेट आइडिया देते हैं, साथ में सेंसर्स बीप के द्वारा अलर्ट भी करते हैं। तो यहाँ पे हमने एस प्लस डीजल वेरिएंट जिसमें बहुत कुछ मिल जाता है, सारी चीज़ें आपने चेक कर ली हैं। अब चलिए इंजन के बारे में बात कर लेते हैं, बोनट यहाँ से ओपन करते हैं। ये आप चेक कर रहे हैं हुंडई वेन्यू का 1.5 लीटर का CRDI डीजल इंजन, 1493 cc का डिस्प्लेसमेंट है, 4 सिलेंडर पर बना है। मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 73.5 किलोवाट, यानी 100 PS की 4000 RPM पे 240 Nm का टॉर्क है, 1500 से लेके 2750 RPM तक। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे माइलेज क्लेम किया गया है 23.3 किलोमीटर पर लीटर में।
तो हमने चेक कर लिया न्यू हुंडई वेन्यू एस प्लस डीजल का बेस वेरिएंट, जिसमें दोस्तों काफ़ी सारे फीचर्स कवर हो जाते हैं। सेफ्टी को भी ध्यान दिया गया है, म्यूजिक सिस्टम टच पैनल पे दिया है, डिजिटल मीटर मिल जाता है, और ख़ास बात यह है कि इसमें स्टाइलिश व्हील्स होने की वजह से, वो भी R16 इंच यानी बड़े व्हील्स होने की वजह से, ये गाड़ी एक्सटीरियर से भी काफ़ी खूबसूरत लुक देती है। मेरे आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। ये वीडियो ये गाड़ी के बारे में आपकी क्या राय हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे को मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द अपने नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।